मजे आए। बिस्मिल्लाह कह रहे हैं आप जो है अपना, सलीम भाई इतनी दूर से आए हैं पाकिस्तान से और जापान में जो है अपना, मेरा नाम अरशद भुट्टा है और ये नकीब चौहान है और जो वीडियो बना रहे हैं अपना हमारे जो है ना करता धरता उसका, ये हमारे कहाँ हैं ये दो जापानी हैं। नहीं जापानी तो हो नहीं सकते ना, जहांगीर भाई भी साथ खड़े हैं, आप भी आ जाए थोड़ा सा। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त ओसाका जापान में मौजूद हूँ और ये हमारे दोस्त भी यहाँ मौजूद हैं लेकिन दोस्त से ज़्यादा बुजुर्ग हैं असद साहब और नसीब नकीब साहब यहाँ मौजूद हैं और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जापान में भी इस कदर नूरानी चेहरे मौजूद हैं और अल्लाह करे कि जितने पाकिस्तानी भाई हैं यहाँ जापानियों में अपना अच्छा तासुर छोड़े ताकि ये जापानियों को पाकिस्तानियों से भी मोहब्बत हो और पाकिस्तान से और लोग, क्योंकि दुनिया में हर कंट्री में हम गए हैं तो पाकिस्तानी बहुत होते हैं लेकिन बताया गया है जापान में 20-22-25 हज़ार से ज़्यादा पाकिस्तानी नहीं है, तो पाकिस्तानियों को आना चाहिए लेकिन अपने सलूक से अपने रवैये से सच्चा मुसलमान पक्का मुसलमान जो ईमान की मजबूती के साथ आएँ, क्योंकि यहाँ जितनी जापानियों में ईमानदारी है और कानून पर दरामद होता है उस तरह हम पाकिस्तानी भाइयों को भी चाहिए कि अपने वतन की इज्जत का ख्याल रखें और ऐसे नूरानी बन के रहें तो अल्लाह में बहुत बरकतें डालेगा यहाँ भी और वहाँ भी आपके खानदानों में। सलीम भाई एक बात कता कलामी माफ, आपने बुजुर्ग का है 58 में हूँ और ये अभी 50 पता नहीं हुआ है कि नहीं, देखिए आप दोनों मेरे से छोटे हैं हकीकत में ये दोनों मेरे से छोटे लेकिन बुजुर्गी तो अपने रवैये से अपने हुलिये से अपने किरदार से आती है, तो जो नूरानी नूरानियत टपक रही है आपके, अल्लाह ताला आपके गुमान को कबूल करे। शुक्र है इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जब स्कूल जाता था तो FM 11 सुनता था। टिकटॉक बनाए यूट्यूब बनाए, मैं तो समझ रहा था ये टीवी भी नहीं देखते होंगे। नहीं नहीं ये तो मोबाइल के कीड़े लग रहे हैं भाई, ये पहले बुजुर्ग वाला बदला ले आर्टिस्ट ऐसे लेते हैं। बहरहाल आपकी जिंदगियों में बहुत बरकत है, यकीनन आप सुकून में हैं और वतन के लिए तड़पते होंगे, अल्लाह मेरे वतन को भी ऐसे ही कर दे ताकि हमें वतन से बाहर अपने अजीजों दोस्तों से बाहर आने की जरूरत ना पड़े। जब भी किसी गैर मुल्क जाए तो सिर्फ घूमने जाए लेकिन अपने हम वतनों के दरमियान अल्लाह करे मेरे वतन में ऐसी अमन ऐसी कानून पे अमल दरामद ऐसी प्यार और मोहब्बत आमीन आमीन ऐसी साफ सफाई सुथराई मैंने दुनिया में नहीं देखी है। ये बिल्कुल आपने सही फरमाया, यूके में तो ये कराची लाहौर सारा देख के आया होंगे लग रहा मुसलमान मुल्क यही है। दो दिन की ऑब्जर्वेशन है ना? हाँ जी हाँ जी, दो दिन की खाली, दो दिन की ऑब्जर्वेशन है और इंशाल्लाह 3 दिन बाद चले जाएं, लॉ में चले जाएं, साइंस में चले जाएं, लेकिन हम लोग गंदे हैं। टैलेंट बहुत है लेकिन वही चीज़ है, डायरेक्शन नहीं देना किसी, डायरेक्शन सही डायरेक्शन पे आप पाकिस्तानियों को यूज़ किया जाए तो बहुत काबिल लोग हैं हमारे यहाँ, इतना टैलेंट और जुगाड़ू कितने हैं, लेकिन मसला ये कि हम लोग 2 नंबर के कामों में 1 नंबर है। सलीम भाई देखिए ना, अनकन्वेंशनल वे से एटॉमिक बॉम्ब बनाया हमने, बताएं ये हमारे लोगों को हैवी वाटर में कहाँ गए थे हम। हाँ, तो डॉक्टर साहब ने डायरेक्ट एनरिच किया था इसका, कॉमेडी का या एकदम से हादसाती तौर पर? नहीं नहीं, बस मुझे अपने गम अपनी परेशानियाँ अपनी गुर्बत आसपास का माहौल की संजीदगी ने मुझे संजीदा तौर पर कॉमेडियन बना दिया। मैं लोगों को हंसाना चाहता हूँ, खुशियाँ देना चाहता हूँ, बचपन से एक ख्वाहिश थी अपने खानदान अपने बुजुर्गों का नाम रोशन करना चाहता तो अल्लाह मियाँ ने दे दिया, तो इस काम को भी हालांकि ना मैं शक्लन कॉमेडियन लगता हूँ ना हुलिये से ना मेरे ख़ानदान में कोई नहीं गुजरा, तो फौजियों का और पुलिस वालों का ख़ानदान था, वही मैं देख रहा हूँ कि आप अफरीदी हो गए और इतनी खूबसूरत और सहल उर्दू आप बोल रहे हैं। हम हिंदुस्तान से हिजरत करके आए थे। अच्छा माशाल्लाह। और तीरा आज़ाद कबायली इलाके से हिंदुस्तान गए हमारे बुजुर्ग, मेरे ज़्यादा बड़े पक्के फौजी थे और फिर हम वालिद और वालदा और बहुत सारा ख़ानदान कराची भी आ गया
वो कराची में भी पुलिस और फौज में हमारे बेशुमार लोग रहे हैं, अब तो कम लोग हैं, तो ऊंचे लेवल पे जनरल कर्नल वाले लेवल पे भी और आईजी डीआईजी वाले लेवल पे भी पाकिस्तान में हैं। अब बहुत सारे रिटायर हो गए लेकिन चंद लोग हैं, उनमें से मैं एक निकल के इधर आ गया और बस ये भी खिदमत ही है। लेकिन हम तमाम पाकिस्तानी लोगों से, मीर साहब का शेर है ना, हमको शायर न कहो मीर के साहब, हमने रंज गम जितने किए जमा तो दीवान किए, वही बात की है इन्होंने। हाँ जी हाँ जी, शायरी मेरी बहुत रही है, बिठा के W11 में तुझको मैं घुमाऊं कराची, चल कराची चल कराची चल, यही मेरा लंदन है, यही बनेगा पेरिस, कल चल कराची चल कराची चल। अल्लाह करे ये मेरी शायरी पूरी है, यूट्यूब पे भी हर जगह मिल जाएगी कराची के बारे में, लेकिन अल्लाह करे कि कराची भी और मुल्क भी ऐसा हो जाए, आमीन, कि आप लोग पाकिस्तान में रहने और जाने को, आप लोग ही नहीं और भी दूसरे पाकिस्तानी दुनिया भर के, हम लोग तो कट ही नहीं सकते ना, अबा और अजदाद उधर हैं, वालदैन बहन भाई सारे उधर हैं, चाहे हम कहीं भी चले जाएं, फर्ज करें चांद पे भी चले जाएं, तो पाकिस्तानी अपनी मिट्टी को कहां भूल सकता है ना, छोड़ ही नहीं सकता। बस ठीक है, जुगाड़े करना कम करें, एक नंबर काम करें। उमर शरीफ भाई भी जापान आए, अब मैं शायद उनके बाद पहला कॉमेडियन हूँ जो जापान और ख़ासतौर पर ओसाका तो शायद ही आया होगा कोई कॉमेडियन, तो मैं पहला आदमी ओसाका आया हूँ। उमर शरीफ हमारी वतन की भी पहचान है और मेरी अपनी भी पहचान है, मुझे लाने वाले उमर शरीफ हैं, साथ काम कराने वाले उमर शरीफ हैं, बस ये था मेरा अंग था, मेरा स्टाइल था, मेरी सोच थी, तालीम थी, जिसकी वजह से मैंने तो बहुत डिफरेंट काम किया, और उमर भाई का चहीता, मोइन अख्तर भाई का चहीता मैं आर्टिस्ट हमेशा से रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो क्रिएशन की है उसकी वो तारीफ़ें करते थे, कि क्योंकि अक्सर कॉमेडियन होते हैं वो पुराने कॉमेडियनों के आइटम उनके काम की नकल करते हैं, लेकिन मैंने नई क्रिएशन की जिसको वो दोनों भी सराहते थे, अल्लाह उन दोनों को जवारे रह, आमीन आमीन, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगाता फरमाए, आमीन आमीन, जज़ाकअल्लाह खैर।